रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर बनी ये इमारत अब धर्म नगरी वाराणसी की नई पहचान बन चुका है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था और इसे जापान के सहयोग से बनाया गया है। इन सब के बीच में जिस तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन सेंटर मौजूदा दौर में वैश्विक कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।